हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, हमने देखे दो तरीके का फैब्रिक लिया। ये लाइनिंग के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया जो 2.25 मीटर है, और जो नेट का फैब्रिक है वो हमारा 3 मीटर है। तो गाइस, हम सबसे पहले हमेशा लाइनिंग की कटिंग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नेट के जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करना सिखाऊंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप भी अस्तर का ही सिल रहे हैं, आप नॉर्मल कपड़े का कॉटन का भी सिल सकते हैं। तो हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप अगर लाइनिंग को हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको इस पर समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप लाइनिंग का कर रहे हैं तब भी आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अगर आप अस्तर नहीं यूज़ कर रहे हैं किसी फैब्रिक में, तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं वही आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देखिए, ये जो कपड़ा है ये अर्जुन में है, ये लेंथ में नहीं है। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बैक पैनल निकालेंगे तो जितनी भी आपकी हिप का साइज है उसमें 3 इंच प्लस कर देना। हमने 13.5 इंच रखा है क्योंकि हमारी हिप 42 इंच है। उसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे, 10.5 इंच आएगा, 3 इंच प्लस कर दिया है। तो 13.5 इंच मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब जितनी भी आपकी लेंथ हो उसे मैं आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। हमारी लेंथ 45 इंच है, 45 इंच की है, तो हमने यहाँ पर 47 इंच लेंथ पर रख लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा कंपल्सरी है रखने के लिए सभी के लिए। तो इस तरह से 47 इंच पर हम निशान लगा लेंगे अपने लेंथ का। इस तरीके से एक निशान और आगे लगाऊंगी ताकि हम जब ये निशान लगाएं तो हमारा निशान एकदम सीधा रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो इस तरह से हम यहाँ से कपड़े किस तरह से कटिंग कर लेंगे। गाइस देखिएगा, हम बैक पैनल निकाल लें। पहले पैनल को हम निकाल लेते हैं, फिर मैं दोनों पैनल को एक साथ कटिंग करना सिखाऊंगी। हमारा थोड़ा टाइम भी कम लगेगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अलग अलग नहीं सिखाने वाली, दोनों पैनल को एक साथ रख के हम किस तरीके से कटिंग करेंगे वही सिखाऊंगी। ये बैक पैनल है हमारा। अभी फ्रंट पैनल के लिए भी हमें कपड़े को फोल्ड करना है, लेकिन इसको हमें ज़्यादा फोल्ड करना है। 6 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम अपने बैक पैनल से, ठीक है। तो देखिए, मैं इस तरह से नापती हूँ 6 इंच। ये हमने 13.5 इंच रखा था, तो 6 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 6 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं चौक से। देखिएगा, जो 6 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, 6 इंच के बाद हमें यहाँ से नापेंगे तो हमें 13.5 इंच चाहिएगा। तो ये आप उधर से नाप लें पहले 6 इंच, फिर 13.5 इंच आगे को नाप लें इस तरह से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है आपको, ये हमारा 6 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। उसके बाद हमारी जो लेंथ थी, हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 47 इंच। तो 47 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। एक बात और आपको क्लियर कर देती हूँ, ये तो हमारा विड्थ में था, अर्जू में था कपड़ा। आपका लेंथ में हो तो बैक, जब आप फ्रंट पैनल निकालें तो कपड़े को बिल्कुल डबल फोल्ड कर लें, उससे आपका एकदम परफेक्ट निकल जाएगा। गाइस इस तरीके से हम यहाँ से इसकी भी कटिंग कर लेंगे जितना हमें चाहिएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, लेकिन आप जब फुल वीडियो देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब चीज़ को हम पूरा नहीं देखते ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना किसी भी चीज़ का। देखिएगा, तो ये हमारा फ्रंट पैनल के लिए भी हमने निकाल लिया है, हमारे दोनों पार्ट्स निकल गए हैं। सबसे पहले हम देखिए 6 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था, 6 इंच उस पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिएगा, 6 इंच पर निशान लगाएंगे फ्रंट पैनल, ये हम ये फ्रंट पैनल है हमारा। इस तरह से 6 इंच पर जो निशान लगाए, इस तरह से सीधी लाइन मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने बैक पैनल निकाला था ना, जो बैक पार्ट के लिए, वही 6 इंच से इस तरह से रखेंगे। देखिएगा, 6 इंच छोड़ते हुए रखेंगे। अभी ये हमारा बिल्कुल बराबर है, दोनों हमारे बराबर है। 6 इंच हमारा फ्रंट पैनल जो है बड़ा रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा रहेगा। अभी हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे 7 इंच पर। देखिएगा, 7 इंच पर शोल्डर पे निशान लगा लेंगे, और मैं 0.5 इंच यहाँ पर डाउन करूँगी और इसको एक तिरछा इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, 34 से आप 38 साइज तक 7 इंच शोल्डर रख सकते हैं। आर्म होल आप, मैंने यहाँ पर 7 इंच रखा है, और कमर पे मैंने 15 इंच पर निशान लगाया, और 21 इंच हिप पर लगाया है। तो आर्म होल आप, अगर आपकी साइज 34 या 36 है तो आप आर्म होल 6.5 रख सकते हैं, या आप 7 भी रख सकते हैं तो भी चल जाएगा। अभी इन सब निशानों को हमने सीधा कर लिया। कमर पे 15 इंच पर सबको लगाना है, और हिप पर भी आपको 21 इंच पर ही लगाना है। इंची टेप को इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और 20 सेंटर में एक निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 7 इंच रखा है, जो 20 सेंटर में निशान लगे, यहाँ पर 6 इंच रखेंगे, और नीचे 6.5 इंच रखेंगे। क्योंकि हमारा ये जो नेक है पैक रहेगा। पैक नेक कब होता है? जब हमारा गला आगे का या पीछे का 5 इंच से छोटा होता है। तो हमारा बैक गला जो है वो हमारा 5 इंच से छोटा है। तो यहाँ पर देखिएगा, 10 इंच पर मैंने चेस्ट का निशान लगाया है, और हिप का मैं कमर का मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मेजरमेंट के जो भी आपका साइज है उसका फोर्थ पार्ट निकालते हुए आप यहाँ पर निशान लगा लें। 1.5 इंच की मैं यहाँ पर लूजिंग दूंगी। देखिएगा, 38 साइज के लिए ये एकदम फिक्स रहेगा मेजरमेंट। 38 साइज की कुर्ती बना रहे हैं तो ये वाला जो मेजरमेंट से मैं निशान लगा रही हूँ आपको एकदम फिक्स आएगा।
लेकिन आप इस तरीके से, मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी साइज का ये फ्रंट पैनल कुर्ती बना सकते हैं। तो हम निशानों को सीधा कर लिया है। अभी हमें क्या करना है देखिएगा, यहाँ से आप एक इंच पर निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए, फ्रंट आर्म होल के लिए। अभी इन तीनों निशानों को इस तरह से कर्व शेप से निशानों को आपस में मिला लेंगे, मतलब आर्म होल का शेप दे देंगे फ्रंट पार्ट का, आगे का जो होता है हमारा, ठीक है। तो आप हाथ से भी लगा दें तीनों निशानों को मिलाते हुए, या कर्व शेप से लगा दें, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया है आगे का आर्म होल, फ्रंट आर्म होल। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें क्या करना है, आधा इंच देखिए यहाँ से जो 20 सेंटर में निशान लगाया, यहीं से आधा इंच बाहर की तरफ रखेंगे और ऊपर से हम यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अभी इन देखिए, जैसे हमने फ्रंट का दिया था ना आर्म होल का शेप, ऐसे ही हम बैक का देंगे चेस्ट लाइन को, और इसको मिलाते हुए इसका हम शेप दे देंगे। दोनों हमारे आर्म होल निकल गए हैं एकदम परफेक्टली गाइस। ये हमारा यहाँ से जो हिप है इसको हम तिरछा रखेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था वहाँ से, ना कि फिटिंग वाले निशान से, ठीक है। थोड़ा देखिए नेट का फैब्रिक है तो इस तरह से तिरछा हो गया। अभी यहाँ से इतना कम हम यहाँ से मार्जिन दे देंगे, क्लियर हो गया। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे गाइस। तो हमने जो बैक आर्म होल पर निशान लगाया था, सबसे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो कुर्ती है एकदम परफेक्ट बैठेगी। देखिए किसी भी साइज की कुर्ती को आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, अभी हमारा जो ये नेट का फैब्रिक है तो इस तरह से ही हमारा आर्म होल दिख रहा है इस तरीके से, देखिएगा। तो हम यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए भी निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें उसकी कटिंग करनी है। हमने बैक पे निशान लगाए थे ना, अभी हमने फ्रंट पे नहीं लगाए थे, तो फ्रंट हमारा इस तरह से रहेगा जितना हमने इसमें दिया था, इस तरीके से देखिएगा। अभी हम बैक पैनल को एक साइड रख देते हैं, ये हमारा कटिंग हो चुका है। अभी जो हमारा फ्रंट पैनल है उसके आर्म होल की हम यहाँ से गोलाई दे देते हैं, जो हमने निशान लगाया है। ये जो मैंने आर्म होल पे आपको इस तरह से निशान लगाने बताए, ये बैक नेक के हैं गाइस। अगर आपका गला आगे का या पीछे का 5 इंच से छोटा है, तो हमारा पीछे का गला 4 इंच का है, तो इसलिए ये वाले आर्म होल पे इस तरीके से आप निशान लगाएं सभी साइज में। अभी हम लाइनिंग वाली फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो हमने इसको जो हमने अपने मेन फैब्रिक पे कटिंग की थी पैनल की, वही को इसके ऊपर रखेंगे हम। और दोनों पैनल की इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पैनल की ये लाइनिंग भी कटिंग कर ली है गाइस। दोनों पैनल हमारे कटिंग हो चुके हैं गाइस। अभी हम इसका योग जो पार्ट है वो रेडी करते हैं। तो हमने ये बुकरम पेपर ले लिया, इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इसकी जो हमने बिर्थ ली है ना, वो मैं आपको नाप के दिखाऊंगी, वो मैंने ली है यहाँ पर 4.5 इंच की। तो चलिए एक बार नाप के दिखा देते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच की है, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 14.5 इंच की ले ली है, ठीक है। गले की जो बिर्थ रखेंगे हम वो 3 इंच की रखेंगे, सबके लिए फिक्स रहने वाली है। उसके बाद हम इसकी जो लेंथ रखेंगे वो हम यहाँ पर 7 इंच की रखेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 इंच नीचे से निशान लगाएंगे और एक बॉक्स सा बना लेंगे। यहाँ पर मैं हल्का सा बी शेप दूंगी, लेकिन कर्व शेप दूंगी, हल्का सा राउंड में, सीधा तिरछा जैसे एकदम बी शेप होता वो वाला नहीं, हल्का सा कर्व शेप देते हुए यहीं से हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमने बुकरम पेपर पे अपने नेक की कटिंग कर ली है गाइस। अभी हमने एक फैब्रिक ले लिया है जिसके ऊपर हमने लाइन को भी यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है इस तरीके से। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, हाथ से इस तरह से क्रीज बना लेंगे। इसके ऊपर अपने योग पार्ट को रखेंगे जो हमने बुकरम पेपर पे कटिंग किया था। आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, आधा इंच छोड़ते हुए इसको हम रखेंगे। आधा इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है डबल फोल्ड करने के बाद। सिंगल फोल्ड करके आप देखेंगे तो 1 इंच हो जाएगा। यहाँ से इसको रखेंगे और इस पर हम प्रेस करेंगे। यहाँ से जो हमने निशान लगाया ना, यहीं से हमें प्रेस करनी है, आगे तक नहीं करनी है। देखिए यहाँ तक एक साइड से हम अपने बुकरम पेपर को इस पर पेस्ट करके चिपका लेंगे प्रेस से। एक साइड से हमारा देखिए चिपक गया है, यहीं तक निशान तक चिपका है। अभी इसे 20 सेंटर से हम फैब्रिक को कट करेंगे। हमारा जो बुकरम पेपर उसको नहीं कट करना, खाली फैब्रिक को हमें कटिंग करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया गाइस। गाइस आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये योग पैनल कुर्ती कैसी लगी। देखिए हमने साइड से जो फैब्रिक कट किया था उसको रख दिया है, जो आधा इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा था वहीं से हम स्केल रखेंगे आधा इंच की पर, और यहाँ से चौक से निशान लगा लेंगे। अभी हमने पोटली बटन बनाए हैं इसके मैचिंग के, ये मेरे जो हैं मेहरूम कलर के हैं। यहाँ से जो नेक
की लेंथ आ रही, वहाँ से थोड़ा सा नीचे से हम अपने पोटली बटन को रखेंगे जो आधा इंच पे निशान लगा, वहीं से इनको इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं इनको आपको मशीन पर अटैच करके दिखा देती हूँ। देखिए पहले एक बार एक चेक कर लें आप, तो गले की जो लेंथ है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए आधा इंच, क्योंकि हम जब इसको अटैच करेंगे गले को तो हमारा मार्जिन में भी जाएगा, बिल्कुल बराबर रख के नहीं करना है। यहीं से हम पोटली बटन को रखेंगे अच्छे से सेट करके और सिलाई लगाते हुए सारे पोटली बटन को अटैच कर लेंगे। आप यहाँ पर सिंगल फुट का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं डबल फुट से ही कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास सिंगल फुट नहीं होती। तो वो सोचेंगे बताओ हमारे पास सिंगल फुट तो है नहीं, अब हम कैसे अटैच करें, तो आसानी से डबल फुट से भी ये अटैच हो जाते हैं, लेकिन सिंगल फुट से थोड़ी सी और ज़्यादा आसानी हो जाती है लगाने में। तो इस तरह से हम सारे पोटली बटन को इसमें अटैच कर लेंगे, नीचे से आधा इंच छोड़ देंगे इस तरीके से, आधा से पौना इंच मैंने नीचे से छोड़ दिया है। अभी देखिए हमारे पोटली बटन, अभी जो दूसरा इसमें से पार्ट कटिंग किया था उसको रखेंगे हम सेट करके, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जो फूल हैं किधर के साइड जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि उल्टी साइड से आप अटैच कर दें और एक नीचे जाए लाइन और एक ऊपर आए। तो इसको सेट करके यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिएगा इस तरह से ही हमारा पलट जाएगा सिलाई लगने के बाद। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अभी हम इसको देखिए आपको पलट के दिखाएंगे। ये प्रेस से फिनिशिंग हो जाएगी, बाद में आपको लग रहा होगा लेकिन हम प्रेस करेंगे तो इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अभी देखिए हम इसको पलटेंगे, जो एक साइड से हमारा ये बुकरम पेपर था इसको भी इस पर हम प्रेस से आयरन करते हुए यहाँ से इसको पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे। देखिए यहाँ से दूसरी साइड से भी तो अच्छे से इसको प्रेस से फिनिशिंग दे देंगे। अगर थोड़ी बहुत आपको इसमें देखिए क्रीज सी लग रही है तो वो प्रेस से फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा लगे तो उसको कट करके एक सार कर लें। उसके बाद सेम ऐसे ही एक फैब्रिक और ले लेंगे हम, आप चाहें तो इसको लाइनिंग वाला भी अटैच कर सकते हैं क्योंकि हमारा पीछे चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर नेट का ही ले लिया है, अभी यहाँ से गले पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने गले पर सिलाई लगा ली है और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे गाइस। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने अंदर से कटिंग कर ली है और यहाँ पे छोटे छोटे से हम इसमें कट्स लगा लेंगे, जिससे जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारी कोई भी क्रीज ना बने और अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। कट्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना फिनिशिंग नहीं आती, झोल सा जो होता है वो दिखता है। इसको इस तरह से पलट लेंगे, उसको अच्छे से टर्न करेंगे। देखिए इस तरीके से बैक साइड में हमारा वो फैब्रिक चला गया है। उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस से फिनिशिंग दे देंगे और यहाँ से तीनों साइड में रफ सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारा ये फ्रंट पैनल है, इसको हमने इस तरह से रखा है, इसके नीचे लाइनिंग भी रखी है। अभी जो हमने योक रेडी किया था इसको हम इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करेंगे और जो 6 इंच पर हमने निशान लगाया वहीं से इसको छोड़ते हुए रखेंगे। देखिए 6 इंच हम छोड़ेंगे और इसको अपने योक को रख देंगे इसके ऊपर। अभी स्केल ले लेंगे, आप चाहें तो ऐसे भी निशान लगा लें, स्केल से क्या हमारे सीधी लाइन एकदम बन जाती है। तो इस तरह से स्केल रखते हुए इसके बराबर में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, नीचे से भी और साइड से भी। अभी योक को हटा देंगे, अभी आधा इंच अंदर की तरफ से हम कटिंग करेंगे क्योंकि जब हम योक को अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, अगर बराबर कटिंग करेंगे तो हमारा योक जो है छोटा हो जाएगा आधा इंच। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो चुका है, अभी हम इसको अच्छे से खोल के ओपन कर लेते हैं। नीचे हमारा लाइनिंग रहेगा, ऊपर हमारा मेन फैब्रिक रहेगा गाइस। अच्छे से सेट करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके समझा दूंगी, आपको अच्छे से रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हमारा जो योक है इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमारी ना छोटी छोटी सी प्लेट्स आ जाएंगी। जो हमारा योक है जितनी चौड़ाई हमारी योक की है उतनी हमें प्लेट्स इसमें एडजस्ट करनी है गाइस। देखिए इस तरीके से, और ये इस तरह से पलट जाएगा। तो चलिए ये भी मैं आपको मशीन पर लगा कर दिखा देती हूँ। तो पहले हम अपने पैनल को डबल होल्ड करके बीस सेंटर में कट लगा लेंगे। ये कट जो है हमारा जो योक पार्ट है उसकी जो पोटली बटन लगाए ना बीस सेंटर में, वो कट से और पोटली बटन से मिलने चाहिए। 19-20 इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट निशान लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से अपने योक को रखेंगे पैनल के ऊपर और साइड से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। नीचे तक हमें एक साइड से सिलाई लगा लेनी है आधा इंच छोड़ते हुए, ठीक है। अभी जो हमारा पैनल वाला पार्ट है इसको देखिए कॉर्नर में इस तरह से कट लगाएंगे, ज़्यादा कट ना लगाना, हल्का सा कट लगाएंगे। इसको इस तरह से टर्न करेंगे और थोड़ी सी मशीन चलाकर यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल लेंगे। देखिएगा प्लेट्स इस तरीके से डालें कि जो हमारा योक की जो बिर्थ है वो एकदम परफेक्ट बैठे, इसलिए हमने बीच में कट लगाया था। ये पहले कट से इस तरह से देखिए परफेक्ट हमारा 20 सेंटर से मिल गए पोटली बटन। तो इस तरह से जो अगर कट लगाएंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमें कहाँ से प्लेट्स को सेट करना है। इस तरह से दूसरी साइड से भी आगे तक चले जाएंगे हम। साइड से अगर आधा आधा इंच हमारा फैब्रिक बच रहा है देखिए इस तरीके से आधा, तो आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है।
अच्छे से इसको सेट करेंगे, इधर को टर्न कर लेंगे कॉर्नर पे, यहाँ पर हम योग अपने पैनल पे कट लगाएंगे, फिर इसके बाद इसको योग को टर्न करेंगे इधर, और इधर की साइड भी सिलाई लगाकर इसको हम अटैच कर लेंगे। तो हमारा जो पैनल में योग को हमने अटैच कर लिया। इस तरीके से आप नॉर्मल कुर्ती में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, अलग से आप योग को लगाकर अटैच कर सकते हैं। देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा जो योग है लग गया है। अभी हम यहाँ पर ये जो हमारी जालीदार लेस है इसको लगा लेंगे। तो गले की साइड से जो हमने आधा आधा इंच छोड़ते हुए इसको अटैच किया है। अभी दूसरी हमारी कटवर वाली लेस है, जहाँ से हमारा योग का जॉइंट आ रहा वहीं से हम इस कटवर वाली लेस को रखेंगे और इसको भी सिलाई लगाकर हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से देखिएगा, तो हमने गाइस लेस को अटैच कर लिया है। अभी हम अपने बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। फ्रंट पैनल हमारा रेडी है। अभी देखिए हमने नीचे अपना लाइनिंग रखा है, ऊपर मेन फैब्रिक रखा। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की विड्थ हमने 3 इंच रखी थी, तो 3 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 3 इंच पर कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पीछे ओरे पट्टी लगाएंगे। अगर यहाँ से कट करेंगे तो ओरे पट्टी लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन में जाएगा तो हमारा जो शोल्डर है छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने 3 इंच रखा है तो हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से कटिंग करेंगे। लेंथ हम रह रहे हैं गले की 4 इंच की, बैक गले के हमने 4 इंच की लेंथ ली है और यहाँ पर राउंड शेप दे दिया। गोल गला बनाने वाले हैं हम पीछे, और यहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें कटिंग करते तो हमारा शोल्डर छोटा हो जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैं अभी आपको ना फ्रंट शोल्डर से नाप के दिखाऊंगी तो और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम ओरे पट्टी लगाएंगे तो वो भी तो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना। यहाँ से हम देखिए इसको रखेंगे, तो अगर यहाँ से हम 3 इंच पे कटिंग करते तो हमारा शोल्डर छोटा हो जाता, तो अभी हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। ये हमने ओरे पट्टी बना ली है, यहीं से हम इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। जो थोड़ा एक्स्ट्रा इसको कट कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही कट करें ताकि बाद में छोटा ना पड़े। अभी हमने यहाँ पर देखिए धारा स्टिच लगा ली है पट्टी के ऊपर। इससे क्या होता है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आसानी से ये हमारे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, लेकिन हम इसमें बाद में तुरपाई कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, शोल्डर अटैच करने हैं। तो हम अपना फ्रंट पैनल ले लेंगे, और जो हमने ये ओरे पट्टी लगाई है ना गले पर, यहीं से हम अपने शोल्डर को छोड़ते हुए रखेंगे इस पट्टी को, और यहाँ से बराबर है हमारा, इधर से इसको इसके ऊपर टर्न करेंगे देखिए इस तरीके से, और शोल्डर अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। इसी तरीके से दूसरी साइड से इसको रखेंगे और इसको इसके ऊपर टर्न करेंगे पट्टी को, और इसको अटैच कर लेंगे। अभी हमने देखिए शोल्डर अटैच कर लिया, अभी हम फिटिंग लगाएंगे। तो हमें अगर आप लाइन अस्तर वाला कोई भी ये बना रहे हैं फ्रॉक, तो पहले हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पर आधा इंच पर सिलाई लगा लेंगे पूरे पर, इसको लाइनिंग को छोड़ते हुए इस तरीके से देखिएगा। खाली हमें मेन फैब्रिक पर लगानी सिलाई, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक बिल्कुल आधा इंच के मार्जिन में, ज़्यादा नहीं बस। तो हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अभी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हमने जो नेट पे देखे जो हमारा मेन फैब्रिक था उस पे हमने फिटिंग के निशान लगाए थे, तो वो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, तो हम उनको नाप लेते हैं यहाँ से। तो हमारी जो कमर का निशान आ रहा है वो 8.5 इंच पर आ रहा है, देखिए 8.5 इंच पर कमर का, और हिप का हमारा आ रहा है यहाँ पर 14 इंच पर निशान। तो इसी तरीके से हम अपने जो हमारा लाइनिंग वाला उस पर निशान लगा लेंगे। हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया था एक्स्ट्रा, तो चलिए इसी तरीके से लगाएंगे। पहले हम कमर का 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और हिप का हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान, ऊपर वाला निशान है नीचे वाला नहीं है, 14 इंच पर लगाया। 1.5 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने 1.5 इंच लूजिंग दी थी, सॉरी एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था यहाँ पर। और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे तो हमारे फिटिंग के निशान लग जाएंगे। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही हम रखेंगे और निशान लगा लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हमें फिटिंग कैसे लगानी है और कहाँ तक लगानी है, यहाँ तक हम हिप तक आएंगे, यहाँ पर अच्छे से लॉक करेंगे। देखिए फिर से समझा देती हूँ, यहाँ पर लॉक करेंगे, और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। ऊपर तक हिप तक हमें जॉइंट करना, लेकिन हिप से नीचे तक हमें इसे जॉइंट नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है, इस फैब्रिक को अंदर रखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक हिप तक इसको अटैच करेंगे, और हिप के बाद हम नीचे तक मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हमने भी इसको फोल्ड कर लिया है लाइनिंग वाले फैब्रिक को। इसके बाद गाइस देखिएगा हम अपनी स्लिप कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ, जितनी हमें स्लिप की लेंथ लेनी है उससे मैंने 2.5 से 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है। कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से, देखिए हमने 1 इंच मार्जिन का दे दिया नीचे से फोल्ड करने के लिए। लेंथ हमारी 17 इंच की है, तो 17.5 इंच पर निशान लगा लूँगी, आधा इंच ऊपर से हमारा जाएगा जब हम इसको अटैच करेंगे। तो 3 इंच पर एक निशान नीचे की तरफ लगाया, इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से देखिएगा। उसके बाद साइड से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी कॉर्नर से इस तरह से। अभी यहाँ से इस तरह से नापते हुए मैं यहाँ पर
9.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। 9.5 इंच पर क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारी कुर्ती का आर्मोल नापा था तो वो 9.5 इंच आ रहा था। 5 इंच मोरी पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे और यहाँ से इसका सेप दे देंगे, जो 2.5 इंच पर निशान लगाया था इस तरीके से, और अपने स्लिप की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी स्लिप कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। पहले आप कुर्ती का आर्म होल नाप लें, उसके बाद आप यहाँ से इसकी गोलाई दे दें जैसे मैंने दी थी। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे से फोल्ड के लिए जो लगाया कट लगा लेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे। अभी हम इसको इस तरह से खोलेंगे और आगे से इसकी गोलाई दे देंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ को इस तरीके से। तो हमारी जो स्लिप है एकदम बनके रेडी हो, कट के रेडी हो गई है। हमने इस पर भी फोल्ड करके लेस लगा लिए इस तरीके से, देखिएगा। अभी हम इसकी साइड की फिटिंग भी लगा लेंगे। जैसे नॉर्मल स्लिप बनाते हैं वैसे ही बनानी है और वैसे ही हमें अटैच करनी है। तो हमने देखिए स्लिप ये पे बना के रेडी कर ली है। अभी यहाँ से इस तरह से टर्न करेंगे। अभी आर्म होल जो है हमारी स्लिप का और जो जॉइंट है स्लिप की फिटिंग का और हमारी कुर्ती का फिटिंग का, वो निशान आपस में आना चाहिए। और ये इसका बीस सेंटर स्लिप का और शोल्डर हमें आपस में मिला होना चाहिए। कट लगा लीजिएगा स्लिप में बीस सेंटर में पहले, फिर शोल्डर से मिलाकर इस तरह से रखेंगे आप तो, और राउंड शेप में इसको लगाएंगे इस तरीके से, तो आपकी स्लिप एकदम परफेक्ट लगकर अटैच हो जाएंगी। दूसरी स्लिप को भी ऐसे ही अटैच करेंगे। तो गाइस आप फाइनल लुक देख सकते हैं, हमारी स्लिप एकदम परफेक्टली बनकर रेडी हो गई है। आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।